हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आखिर क्यों भूख हड़ताल पर बैठी है 8 माह की गर्भवती महिला? क्या कर रहे हैं जिम्मेदार? क्यों मौन है प्रशासन? खबर बाड़मेर से। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पिछले 11 दिनों से तिलक नगर स्थित अंबेडकर सर्कल पर दलित उत्पीड़न के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस धरने में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन सबसे पीड़ादायक बात यह है कि धरने में कुछ महिलाएं भी हैं जिन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उसी में से एक महिला है ग्यारसी देवी, जो 8 माह के गर्भ से है और पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर है। महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और चिकित्सकों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी है, लेकिन महिला अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़ी है। गर्भवती महिला बोली, जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक धरना स्थल पर आकर हम असहायों की सुनवाई करें और प्रशासन द्वारा उनके उजाड़े गए आशियाने वापिस बसा के दें। धरनार्थियों का आरोप है कि दलित वर्ग के साथ लगातार भेदभावपूर्ण रवैया रख संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने के आदेश जारी कराने, समाज के अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण कराने, समाज के अनाथ असहाय वृद्ध विधवा भूमिहीन कमजोर दलित समाज को सरकारी जमीन से बेदखल करने, दबंग राजनीति सह प्रांत पूंजीपति भूमाफियों को सरकारी जमीन से न हटाकर इन्हें पट्टे जारी कराने, न्यायिक समानता का भाव न रखे जाने के कारण गर्भवती महिला सहित कई महिलाएं बच्चों सहित सैकड़ों लोग धरने पर बैठे हैं। गर्भवती महिला की 2 दिनों में तबीयत ज्यादा खराब है, फिर भी वो न्याय पाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठी है, लेकिन प्रशासन धरनार्थियों की सुध नहीं ले रही है, उनको जानबूझकर अनदेखा कर रही है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघावल की रिपोर्ट।